सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द अर्थ मूवमेंट। सो गाइस, द अर्थ मूवमेंट के अंदर आता है कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है। सो गाइस, सबसे पहले के मतलब कि अगर हम कहें कि सन मतलब के राइज करता है और सन सेट कर जाता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि सन के इर्द के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। सो अभी अर्थ भी सन से ही रिवॉल्व करती है, और जब वो अपने आप को अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, एक्सिस होता है मतलब कि ये देखें, ये एक राउंडर होने के लिए थी अर्थ, लेकिन मेरी जो है राउंडर। तो यहाँ जो है ये एक इमेजिनरी सेंटर से होती है, फ्रॉम बॉटम टू द अप, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये एकदम इक्वल होती है दोनों साइड। अभी हम ये साइड साउथ नॉर्थ, ये साउथ। सो गाइस, ये जो है ना, ये अभी टिल्ड है, स्ट्रेट नहीं है एकदम, ये टिल्ड है at 23.5 degrees Celsius, 5 degree, ये है इसका टिल्ड। सो गाइज, अभी इसी यहीं से ये जो है अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, चारों तरफ मतलब के घूमती है, और चारों तरफ वो जो जब ये ऐसे राउंड करती है, राउंड लेती है अपना, तो राउंड लेके वो अपना जो है सन और डे और नाइट बनता है। जब वो राउंड करती है तो उसकी एक इतना हिस्सा उसका शेडो होता है, और इतने हिस्से पे ये देखें, ये सन की लाइट पड़ती है, सन की रोशनी इस हिस्सों पे, यहाँ यहाँ तक, बाकी सारे यहाँ से डार्कनेस शुरू हो जाती है, जो नाइट हो जाती है। और जब ये अपने एक्सिस पे राउंड करती रहेगी, तो यहाँ से ये चेंज होता रहेगा, नाइट नाइट नाइट, फिर डे डे, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और गाइज, अभी इसके बाद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के रोटेशन पे। सो गाइज, जैसे कि आप हम लोग अभी अर्थ के ऊपर हैं, तो हम जब अर्थ रोटेट करती है, तो हमें हम लोग मतलब के हमें ऐसा क्यों नहीं फील होता कि अर्थ रोटेट कर रही है और हम नीचे गिर जाएं, मतलब के ये अर्थ है, यहाँ लोग हैं, अभी ये लोग नीचे क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि ग्रेविटेशनल है पहली तो बात, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है, और ये इतनी तेज़ रोटेट करती है अपने एक्स पे तकरीबन 1670 किलोमीटर पर आर, इतनी तेज़ ये मतलब कि एक रेसिंग कार से भी ज़्यादा तेज़ी जाती है, फिर भी हमें फील ही नहीं होता कि ये इतनी तेज़ रोटेट कर रही है अर्थ, क्योंकि इतनी बड़ी है, हमें पता ही नहीं चलता कि रोटेट कर भी रही है या फिर नहीं। सो गाइस, ये होता है अर्थ का रोटेशन। सो अभी एक और पॉइंट, वेस्ट और ये ईस्ट, अभी वेस्ट टू ईस्ट आती है ये, मतलब नहीं सॉरी सॉरी वेस्ट ईस्ट, अभी ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट से स्पिन करती है ये, और इतने स्पीड में स्पिन करती है, और इसी के वजह से अगर वो नॉर्थ टू साउथ करेगी, तो हमें तब भी पता चलेगा, लेकिन तब रोंग एक्सिस हो जाएगा, वो आगे जाके आपको भी पता चलेगा। तो गाइज, अर्थ जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो है अपनी रोटेशन कंप्लीट करती हैं ऑन एक्सिस पे, वो 24 आवर पे कंप्लीट करती है। और अभी हमारे आ जाते हैं रेवोल्यूशन के ऊपर, जो वो
अर्थ मतलब के सन पे ऑर्बिट पे जो होता है राउंड। ये सन का ऑर्बिट है और ये रही हमारी अर्थ। हमारी अर्थ अभी यहाँ से होके जाती है ऐसे करके, हमारी अर्थ अभी यहाँ से होके जाती है तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जब वो अपने ऑर्बिट जो ये जहाँ ये पर्टिकुलर एक जगह होती है जहाँ वो स्पिन करती रहती है मतलब कि रोटेट रेवोल्व करती रहती है रेवोल्यूशन, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। अभी इस ऑर्बिट के ऊपर जब वो रिवॉल्व करके जाती है तो वो तकरीबन लेती है 365 1/4 day। इतने दिन वो लेते हैं तकरीबन वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए थ्रू द अर्थ थ्रू ओवर द सन। अभी ये 365 1/4 day के अंदर कंप्लीट करती हैं, तकरीबन वन ईयर इनको लगता है कंप्लीट करने पे। इसकी वजह से हमारा वन ईयर लगा है और उसके वन ईयर के अंदर फोर सीजन होते हैं। जो इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ टू जो नॉर्थ टू साउथ पोल होता है उसके एकदम दरमियान वाला एकदम सेंटर वो होता है इक्वेटर। और वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सन उसके आगे सामने ज़्यादा रहता है मतलब कि अर्थ उसके सामने ज़्यादा रहती है। मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जाती है वेस्ट टू ईस्ट। सो गाइस अभी इसके अंदर ये होता है कि एक तो सन की डायरेक्ट लाइट यहाँ पड़ती है, इनडायरेक्ट नहीं पड़ती। जो ये फर्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर होते हैं उनके ऊपर फोर सीजन होते हैं, उनके पास होते हैं फोर सीजन्स। और जो इक्वेटर के पास हैं या इक्वेटर में हैं वो उनके पास सीजन्स नहीं होते, उनके पास एक ही सीज़न होता है समर और विंटर। और यही होता है, कभी कभी विंटर भी नहीं होता, समर ही होता है उनके पास सिर्फ। इसकी वजह से इक्वेटर के पास जो है उनको सीजन्स नहीं होते, जिनके जो इक्वेटर के दूर है उनके पास सीजन आते हैं। सो ये था अभी गाइस, ये 165 1/4 day, ये 1/4 day अभी क्या है, ये मतलब कि समझ लीजिए 0.2 day है, मतलब कि हाफ ऑफ द डे एंड द हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द डे, मतलब कि इक्वेटर हाफ के बाद जो इक्वेटर होता है ये, इसको हम कहते हैं इक्वेटर नहीं हम इसको कहते हैं हम जी इक्वेटर ही कहते हैं। ये हाफ, ये इसका क्वार्टर, अभी ये क्वार्टर है, क्वार्टर इस वन बाय फोर, और वो क्वार्टर होता है डे का क्वार्टर। मतलब कि इसके अंदर अगर हम प्लस करते रहेंगे थ्री टाइम्स मोर प्लस करेंगे 0.25, सो 0.25 हो जाएगा वन, और वन होता है वन डे कंप्लीट। तो इसकी वजह से उनको हम लोगों ने क्वार्टर के अंदर करके अभी हम इनको प्लस करते रहेंगे। हर चार साल बाद आता है लीप ईयर। अभी लीप ईयर ऐसे तो नहीं आता, लीप ईयर का कुछ वजह होता है, उसके अंदर वन एक्स्ट्रा डे चल जाता है जिसकी वजह से वो हो जाते हैं 366 days। अभी ये देखें, जब ये ऐड करते रहेंगे हम हर साल एक ऐड करते रहेंगे, ये वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम फोर टाइम जब ऐड करेंगे तो वो वन डे बन जाएगा, उसी वन डे को हम कहते हैं लीप ईयर। और फरवरी के अंदर जो 28 होते हैं यूजली, लेकिन फिर 29 हो जाते हैं क्योंकि वो वन डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एस जो 0.25 को ऐड करके वन डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो चार साल के 0.25 को ऐड करके वो वन डे बनाते हैं। और वन डे एक्स्ट्रा फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं लेकिन फिर 29 हो जाते हैं। सो गाइस ये था
ऑल अबाउट टुडे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पर नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।